हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के दिन इंटरडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे थर्सडे के दिन इंटरडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अभी बने बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और ट्यूसडे के दिन हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती, उसके बाद पूरा हमें अराउंड 2 बजे तक एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल रहा था। उस रेंज बाउंड मार्केट का रीजन ये भी है क्योंकि हमें मंडे के दिन एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल गई थी, तो उसके अगले दिन एक हमें कंसोलिडेशन मोमेंटम देखने को मिलता अराउंड 2 बजे तक सेकंड हाफ तक। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो एक अपन को यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिलती है, जिसको अगर अपन इस पॉइंट से मार्क करते और ऐसे एक्सटेंड कर देते तो यहाँ पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिल रही थी। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है 1:55 वाली कैंडल से, वहाँ से एक अपन को बहुत अच्छा मोमेंटम एक ही कैंडल में देखने को मिल गया है, जो कि अगर अपन कैलकुलेट करके देखें तो वो था अराउंड 380 प्लस पॉइंट्स के आसपास का। तो अगर आप भी ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क किए होंगे तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम अप साइड में देखने को मिला होगा, और डाउन साइड में अपन को सपोर्ट की तरह काम करती हुई ट्रेंड लाइन ये वाली देखने को मिली थी। और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला 3 PM वाली कैंडल से, वहाँ से एक अपन को डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ भी देखने को मिला अराउंड 200 अप्रॉक्स पॉइंट्स के आसपास का। तो जो भी ये दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मार्क किए होंगे उन्हें एक बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने में देखने को मिला होगा। तो अगर आप भी ऐसी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में ट्रेंड लाइन वाली वीडियो को जाकर जरूर देखें। और लास्ट में हमें बैंक निफ्टी क्लोजिंग अराउंड 49,290 के लेवल के आसपास की देखने को मिली है। तो ये था बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के दिन का इंट्राडे का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में, और वहां देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गया बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो हमें ट्यूसडे के दिन के डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखने वाली है वो एक अपन को ऊपर से रिजेक्शन लेती हुई कैंडल, एक बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल अपन को देखने को मिल सकता है जो कि है प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल था, जो कि था 49,057 या फिर अपन बोल सकते हैं 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी में, या फिर बोल सकते हैं एक अपन को रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल जो कि अराउंड 48,500 का लेवल, और अगर इसको ही ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 48,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अप साइड की बात करें तो अपन को बुलिश मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब 49,974 जो कि हमें ट्यूसडे के दिन का हाई लेवल था, या फिर इसे अपन और अच्छा अप्रॉक्स मार्क करें तो वो रहेगा 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर 50,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अपन को और अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि सीधा टारगेट फिर अपना 50,500 के साइकोलॉजिकल लेवल तक का देखने को मिल सकता है। और जब तक इन दोनों रेंज के बीच में मोमेंटम करे, यहाँ पे अपन को साइडवेज या फिर बोल सकते हैं वॉलेटाइल मोमेंटम करते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंट और कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ डिस्कस करेंगे थर्सडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहाँ पे अपन को एक बहुत अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला था। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है वो है पहले ये वाला लेवल जो कि है 49,250 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो एक हमें डाउन साइड का मोमेंट यहाँ से बनते हुए देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर जो अपन को सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा सीधे 48,670 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है जो कि अराउंड 48,350 के आसपास का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 48,088 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 49,250 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं अप साइड की मोमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। बुलिश मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगा जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे जो कि है 49,700 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक हमें बुलिश मोमेंटम वापस से कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई लेवल जो कि है 49,974 का, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 50,055 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर इसका भी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 50,250 तक के देखने को मिल सकते हैं, और जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 50,500 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 49,700 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे जो कि है ये वाले, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डिके ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि है 49,700 के लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 49,250 का लेवल ब्रेकडाउन करे तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी।
अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। अगर अपन इस स्विंग से एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें और ऐसे एक्सटेंड कर दें तो अपन को थर्सडे के लिए एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो अगर डाउन साइड में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करें साथ साथ 49,250 के लेवल में ब्रेक डाउन करें तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग ऑफ डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहां हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड लाइन्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।